कितनी एहतियात बढ़ती गई है आप ही बता सकते हैं ना। तो दो गज की दूरी मास्क है जरूरी है हो रहा है क्या वहां पर? तो कहीं ना कहीं क्या ऊपर से आदेश दिया गया है कोरोना भगाने की, यही रणनीति अपनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने कि लाठी चलाओ तो कोरोना भाग जाएगा। सर्ज कहां हो रहा है कहां नहीं, सही तस्वीर आ भी रही है क्या? चुनावी राज्य जो है वहां पर टेस्टिंग ही आधे में कर दी, आधे से कम टेस्टिंग हो रही है, तो कैसे पता लगेगा? देश में कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी जरूरी है और जनता भी मीडिया से उम्मीद रखती है कि उन्हें डिबेट के जरिए सरकार की तैयारियों के बारे में जानने को मिल जाएगा। गोदी मीडिया में भले ही कोरोना पर ज्यादा डिबेट ना देखने को मिल रही हो, पर न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की डिबेट में इस मुद्दे पर चर्चा देखने को मिल रही है और सवाल भी भाजपा के नेताओं से किए जा रहे हैं। न्यूज 24 पर कोरोना महामारी के समय हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में बढ़ती भीड़ को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप आक्रामक तेवर के साथ भाजपा के नेताओं से सवाल पूछते नजर आए, जिस पर भाजपा नेता ने भी चिंता जाहिर की, पर जवाब देते समय गोलमोल बात कर गए जिस पर संदीप ने उन्हें टोक दिया। तोहिन, अगर सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं यहाँ तो खुला वातावरण है, खुली हवा है, गंगा मैया की कृपा है, तो कोरोना नहीं होगा, मरकज में तो बंद कमरा था। देखिए, निश्चित तौर पे जो दृश्य कुंभ के नजर आ रहे हैं वो चिंता का विषय है। ये जमावड़ा जो है ये चिंता का विषय है और कितनी एहतियात बढ़ती गई है आप ही बता सकते हैं ना। तो दो गज की दूरी मास्क है जरूरी है हो रहा है क्या वहां पर? नहीं, वो तो संभव नहीं है, कुंभ में संभव नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर जो ये कोरोना बम फूटता दिख रहा है, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, हरिद्वार में पिछले साल अब कंपेयर कीजिए, जो मरकज को लेकर, जो तबलीगी जमात को लेकर एक महीने तक नैरेटिव चला, तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना फैला दिया और बढ़ चढ़कर आपके बड़े बड़े नेताओं ने बहुत ही विवादित बयान भी दिए और आरोप भी लगाए, आज इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है क्या? न्यूज 24 पर ही कोरोना के मुद्दे पर भाजपा नेता जफर इस्लाम और एंकर संदीप चौधरी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। हुआ यूं कि संदीप ने भाजपा नेता से कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर चिंता जाहिर की, जब भाजपा नेता अपने जवाब में इधर उधर की बातें करने लगे तो एंकर ने उन्हें टोक दिया। कोरोना की हकीकत हम छिपा रहे हैं क्या? पर्दादारी हो रही है क्या कोरोना को लेकर? शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये सब जो आपने जहां से आंकड़े निकाले हैं वो सब कितनी हकीकत उसमें कितने नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब जगह है जहां पर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो कह रहे हैं आपने उत्तर प्रदेश के मंत्री के बारे में कहा, देखिए ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अच्छा। और इसे वो कहते हैं डेमोक्रेसी, चाहे वो कमियां हो ना हो उनकी नजरों से लगी, वो कह रहे हैं तो उनका जो अधिकार है, चार से सात दिन लग रहे हैं, नहीं फोन करने पर एम्बुलेंस आने में 5 से 6 घंटे लग रहे हैं, आपको उनको वाहवाही देनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो किस तरह का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको देखिए, अगर उनको कुछ कमी लगी तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। तो डेमोक्रेसी को वाहवाही करूं या आम आदमी कितना परेशान है, किस असमंजस में है, दर दर भटक रहा है, आम आदमी के साथ क्या बीत रही है, आप इसका दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं जफर इस्लाम? न्यूज 24 पर कोरोना के मुद्दे पर एक और डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने मध्य प्रदेश सरकार के नेता से मध्य प्रदेश की एक घटना को लेकर सवाल किए, जिस पर वे इस बात को टालते नजर आए, पर एंकर ने उन्हें ऐसा करने से रोका और अपने तीखे सवालों में घेर लिया। वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, विश्वास बाबू, विश्वास नहीं हो रहा, ये आपके सूबे में, आपके प्रदेश में हो रहा है, आपको विश्वास हो रहा है? देखिए, इस तरह की घटना का तो संरक्षण देने का सवाल ही नहीं उठता। यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निश्चित रूप से जो इसमें इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई होगी। ये देखिए, ये संयोग नहीं है, ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये जो अभी तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये 7 अप्रैल की हैं, जब ऑटो वाले को पीटा जाता है, और जो अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं ये कल की 11 अप्रैल की हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ऊपर से आदेश दिया गया है कोरोना भगाने की, यही रणनीति अपनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने कि लाठी चलाओ तो कोरोना भाग जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा कहीं भी नहीं है, ना हमारे निर्देश हैं, ना ये हमारी परिपाटी है। न्यूज 24 पर कोरोना के मुद्दे पर एक और डिबेट में एंकर ने भाजपा नेता से सवाल किए, संदीप ने भाजपा नेता से सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल किए, जिस पर नेता पुरानी बातों को याद करते दिखाई दिए, पर संदीप ने उन्हें टोका और सही से जवाब देने को कहा। अब भगवान भरोसे है क्या, या अपने आप संभल लो, अब जानते ही हो सब कुछ कोरोना के बारे में, हम क्या बताएं आपको, ये नजरिया हो गया है क्या सरकार का?
संदीप जी, अगर आपने मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, उनमें थोड़े ऐसे कंसेंसस हुए जैसे हमारे पिछले स्पीकर ने भी बताया है कि जहां पे हॉटस्पॉट है वहां पे कंटेनमेंट, आइडेंटिफाई, टेस्टिंग और उनको वहां पे रोकने के लिए। सर्ज कहां हो रहा है कहां नहीं, सही तस्वीर आ भी रही है क्या? चुनावी राज्य जो है वहां पर टेस्टिंग ही आधे में कर दी, आधे से कम टेस्टिंग हो रही है तो कैसे पता लगेगा? नहीं, ऐसा ऐसे ही ऐसी बात नहीं है, ऐसा है, आंकड़े हैं मेरे पास। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए जहां तक ये पैरेलल एक्टिविटीज चलता है, चुनावी आप जो बोल रहे हैं माहौल है वहां पे इन्फेक्शन का ज्यादा डर है, मैं आई एग्री विथ यू, मैं 100% आपसे मैं एग्री करता हूं, मगर वहां पे भी टेस्टिंग का और बाकी जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस भी चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि संदीप चौधरी आगे भी जरूरी मुद्दे पर सरकार के नेताओं से तीखे सवाल करते रहे और बाकी के एंकर्स भी संदीप की तरह ऐसे ही सरकार के नेताओं से सख्त सवाल पूछने शुरू कर दें। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.